राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गोरखनाथ पीठ में जिस तरह से हमला हुआ है, किस तरह से आप उसको देखते हैं? लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। किसी को भी पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम या सरकार के तौर तरीके पसंद नहीं है तो उसको विरोध करने के तमाम लोकतंत्र में तरीके हमारे यहाँ जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में दिए गए हैं। ये बहुत ही संवेदनशील स्थान पर की गई अतिसंवेदनशील घटना है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन मुख्य बात यह है कि अपराधी पकड़ा गया है और ये देखना है कि उसका मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, मेंस रिया क्या था। ये उसके द्वारा लिया गया स्वयं का निर्णय है अथवा उसके उसको ब्रेन वॉश किया गया है अथवा कुछ कट्टर धार्मिक संगठनों का इस घटना में महत्व है अथवा कोई आतंकवादी संगठन का, ये जाँच का विषय है। जाँच अधिकारी शनै शनै की गई जांच से आपको बताते रहेंगे। उसके लैपटॉप में कई संदिग्ध वीडियो मिले हैं, उसके भी कई वीडियो मिले हैं। जाकिर नायक का वीडियो भी देखने में आया है उसके लैपटॉप में, किस तरह से, क्या वो कहीं ना कहीं उसका माइंड वॉश किया गया था या किसी आतंकी संगठन? मैंने कहा ना कि ये पूरी जांच होने के बाद तथ्य सामने आएंगे कि स्वयं का निर्णय है अथवा उसके उसको अबेट किसी ने किया है अथवा धार्मिक उन्माद है अथवा कई बार प्रसिद्धि पाते हैं, कई बार ये होता है कि कुछ कट्टर लोग इस प्रकार से शॉर्ट टारगेट बना करके ये करते हैं। लेकिन एक पढ़े लिखा IITN के द्वारा ऐसा कृत्य करना ये बहुत निंदनीय है। सर, उत्तर प्रदेश में इस तरह से मदरसों के ऊपर जांच बैठाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, किस तरह से आप उसको देखते? उत्तर प्रदेश की सरकार केवल मदरसों पर जांच नहीं बैठा रही है बल्कि इस प्रकार से किसी भी विभाग में तथ्यों पर आधारित एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ विद एफिडेविट जब भी कोई शिकायत करते हैं हमारे मुख्यमंत्री उसकी जांच कराते हैं और जांच स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है और दोषियों को उसमें सजा मिलती है और नहीं दोषी होता है तो क्लीन चिट भी मिलती है। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि अगर जो ढांचा सपा सरकार ने खड़ा किया था उसके ऊपर थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट जो है बीजेपी ने किया होता, आज इस तरह के हालात नहीं होते, क्योंकि उन्होंने बनारस, बलिया और कई जगह की तस्वीरें भी साथ में शेयर की। स्वास्थ्य के प्रति वो कितने संवेदनशील हैं इसी से अंदाज़ लगा लो। जबकि विश्व एक महामारी से गुजर रहा था तब एक बड़ी पार्टी के बड़े फॉलोइंग उनकी है, उसके बाद उन्होंने कहा था ये भाजपाई वैक्सीन है मैं नहीं लगवाऊंगा, तो स्वास्थ्य के प्रति उनकी कितनी संवेदनशील है इसी स्टेटमेंट से पता चलता है। ये शताब्दी का एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया गया सबसे गैर जिम्मेदारान बयान है जो वैक्सीन को लेकर उन्होंने दिया। आखिरी सवाल है सर कि आज संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ मंत्र दिए? प्रधानमंत्री जी ने पूरा 15 दिन का एक जन सेवा का पूरा पखवाड़ा मनाया है। कल पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर के और 20 तारीख तक प्रतिदिन, किसी दिन हम PDS सिस्टम को देखेंगे, किसी दिन विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक कार्यक्रमों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले के बूथ स्तर पर कार्यक्रम होंगे, उसी के साथ विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के लोगों से मिलेंगे। इसी प्रकार से स्वास्थ्य दिवस होने पर आयुष्मान कार्ड धारकों से मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वैक्सीनेशन का अब पहल की गई है उसमें सांसद स्वयं वैक्सीन सेंटर पर स्वयं रहेंगे और सबसे बड़ा काम है कि गिरते हुए भूजल स्तर के प्रति इतनी भयंकर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री जी ने अगले साल के अमृत महोत्सव की समाप्ति तक प्रत्येक सांसद को कहा है कम से कम 25 जलाशय जो कि हमारे पुरखों ने बनाए थे हम उनको मेंटेन नहीं कर पाए हैं, उनको मनरेगा के साथ साथ जन भागीदारी के द्वारा अपने नेतृत्व में उन वाटर बॉडीज को ठीक करें और गिरते हुए भूजल स्तर को बचाया जाए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।